नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप सबको ले चलते हैं क्रिकेट दुनिया में। वंदे मातरम ग्रुप द्वारा NPL यानी नवसारी प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं, खेल मनोरंजन का साधन है। हमारे देश में कई तरह के खेल खेले जाते हैं, हर लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हॉकी, टेबल टेनिस, शतरंज, वॉलीबॉल, कबड्डी और फुटबॉल, इन सब खेलों में क्रिकेट सर्वाधिक लोकप्रिय होने के कारण राष्ट्रीय खेल सूची में सबसे ऊपर है। ऐसे में वंदे मातरम ग्रुप NPL यानी नवसारी प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। इस प्रीमियर लीग में नवसारी वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के खिलाड़ी खेल सकते हैं। टोटल 12 टीम है, जिसमें 12 टीम के अलग अलग मालिकों द्वारा खरीदा गया। सभी टीम को 4 ग्रुप में बांटा गया है। सबकी नज़र भवानी ज्वेलर्स की टीम पर है। उद्घाटन मैच भवानी ज्वेलर्स और मराठा वॉरियर्स के साथ खेला गया, जिसमें भवानी ज्वेलर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया। मराठा वॉरियर्स ने 8 ओवर में 71 रन ही बना पाई, जिसमें भवानी ज्वेलर्स के खिलाड़ी आसानी से 6 ओवर में जीत हासिल कर ली। भवानी ज्वेलर्स के मालिक जीतू भाई ने सभी खिलाड़ियों को जीत की शुभकामनाएं दी। मुख्य रूप से अशोक भाई दुरजिया और पदाधिकारी उपस्थित रहे। खास रिपोर्ट माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज से, अशोक शुक्ला, नवसारी। आज रोज नवसारी के नगर की वंदे मातरम सोशल ग्रुप द्वारा हमारे वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के युवाओं के लिए क्रिकेट मैच रखी गई है। और आज और कल 2 दिन में 12 टीम यहां मैदान में क्रिकेट खेलेंगे। और वंदे मातरम ग्रुप हमारा नवसारी में ऐसी सब प्रवृत्ति कर रही है। सोशल ग्रुप है, सामाजिक काम कर रही है, युवाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है, गमत गमत क्षेत्र के लिए काम कर रही है, बड़ी लोग के लिए कर रही है। और इसी कारण आज यहाँ ये मैच रखा गया है और युवाओं को इसकी जो प्रतिभा है वो उसको दिखा सके, इसके लिए 2 दिन का ये मैच का आयोजन हुआ है। और लोग उत्साह है। हमने जब जाहरात किया था तो 300 से ज़्यादा लोग इसमें फॉर्म भर दिया था, लेकिन मर्यादा की संख्या में 150 लोग को लाग सके, बाकी क्या 150 थे उसको भी इसी महीने के अंत में दूसरी मैच रख के सबको, सब खिलाड़ियों को उसका दायित्व देने के लिए समय मिले, मौका मिले, इसके लिए आयोजन किया गया है वंदे मातरम सोशल। और आपका नाम? अशोक दौराजिया, नवसारी।